आपका नाम बताइए। मेरा नाम अवनीश मोदी है। अच्छा, आज आपने साइकिल चलाया? हाँ, आज नेशनल स्पोर्ट्स डे है, इसमें मारवाड़ी युवा आश्रम ने रखा था साइकिल चलाने का, जिसे इसमें हमने कोई भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। हमने नवज्योति से यहाँ तक साइकिल चलाया, हमें बहुत आनंद आया। ऐसे हम लोगों को रोज चलाना चाहिए साइकिल। साइकिल चलाने से क्या होता है? साइकिल चलाने से एक हमारा बॉडी फिटनेस मेंटेन रहता है, अगर जिसको पतला होना उनको भी साइकिल चलाना चाहिए, और हमारा वॉकिंग भी हो जाता है और साइकिलिंग भी हो जाता है इनडायरेक्ट। ओके, थैंक यू। थैंक यू। मारवाड़ी युवा मंच खरियार रोड द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस से पहले एक विशाल साइकिल रैली का सफल आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं, कॉलेज स्टूडेंट, साधारण नागरिक, राजनैतिक प्रतिनिधि आदि प्रमुख शामिल हुए। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के आह्वान पर आयोजित इस साइकिल रैली नवज्योति विद्यालय से लेकर जलाराम मंदिर तक रखा गया था, जिसमें माननीय मंत्री राजेंद्र कुमार ढोलकिया हरी झंडी लहरा कर शुभारम्भ किए। मारवाड़ी युवा मंच को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि साल भर में हमेशा कुछ न कुछ कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा सजग रहते हैं, चाहे वो रक्तदान शिविर हो, चाहे वो कैंसर डिटेक्टिव कैंप हो, ऐसे अनेक सेवा के कार्य मारवाड़ी युवा मंच जो कर रहा है उसके लिए मैं उनको तहे दिल से बधाई देता हूँ। मैं सुरेश आचार्य जलाराम मंदिर के सम्मुख में खड़ा हूँ। आज बहुत बड़ा दिवस है, राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस रूप में भारत के हर जगह मनाया जाता है। यहाँ पर मारवाड़ी युवा मंच खरिया रोड शाखा ने इस दिवस का आयोजन किया है। नाम रखा है साइक्लोथोन। साइक्लोथोन इसलिए रखा कि साइकिल से नवज्योति विद्यालय से लेकर यहाँ पर रैली आई है, साइकिल में लोग साइकिल चला तो यहाँ पर पहुँचे, बच्चे बुजुर्ग सभी। आइए, हम हमारे साथ हैं, इनसे बात करते कि नन्ना साइक्लोथोन के पार्टिसिपेंट, नन्ना साइक्लोथोन के पार्टिसिपेंट, आपका नाम क्या है? हर्षित जैन। अच्छा, आपने साइकिल चलाया आज? हाँ। कहाँ से कहाँ तक चलाया? मैंने नवज्योति से लेके जलाराम मंदिर तक। जलाराम मंदिर तक कैसा लगा चलाने में? बहुत अच्छा लगा और बॉडी को भी थोड़ा फिट लगा। फिट लगा। रोज चलाते हो साइकिल सवेरे? हाँ। झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहे हो? रोज चलाते हो? मजा आता है बहुत। कैसे पता चला आपको साइकिल रैली हो रहा है? वो मेरे पापा बताए मेरे को। पापा का नाम क्या है? जितेंद्र जैन। जितेंद्र जैन ने बताया? क्या बताया? कि कल साइकिल थॉन है, तो कल साइकिल थॉन में जाना जाना है। अच्छा अच्छा, तो अच्छा लगा ना सवेरे साइकिल चलाते हुए। हाँ। अब कैसे, रोज सवेरे चलाओगे कि नहीं साइकिल? हाँ। रोज सवेरे चलाओगे? हाँ। वेरी गुड, ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। लगातार 3 वर्षों से साइक्लोथॉन नाम से आयोजित इस साइकिल रैली में 4 साल का बच्चा खुद के छोटे साइकिल से नवज्योति विद्यालय से जलाराम मंदिर तक करीब 3 किलोमीटर यात्रा करना सबको आश्चर्यचकित कर दिया। साइकिल चला गया है? कहाँ से? कहाँ से चला गया? स्टार्टिंग से। कहाँ तक आए? ये कौन सा जगह है? एक मंदिर। मंदिर है ना? अच्छा, कितना दूर चला है साइकिल? बहुत। पूरा? कौन तुमको बोला कि साइकिल चलाओ आज? पापा। पापा कहाँ हैं? हैं? पापा? पापा ने कहा? हाँ। क्यों चलाओ बोले? नहीं पूछे क्यों चलाऊं आज साइकिल? हैं? नहीं पूछे। नहीं पूछे? तुमने नहीं पूछा, पापा ने बताया भी नहीं है? चला का है, बहुत अच्छी बात है। तुमको क्या एक मेडल मिला है ना? हाँ। नाम क्या बताया आपने? सौर्य यादव। हैं? सौर्य यादव। सौर्य यादव, अच्छा अच्छा। आपको और एक जन ने आपको 500 रुपये दिया। हाँ। मालूम है कौन है वो? हैं? नहीं बताया? उनको राजू भाई कहते हैं, मंत्री है यहाँ के। हैं? पापा को पूछना, आज अभी ख़त्म हो गया, अभी पापा को पूछना है आपको कि आपने मुझे आज क्यों साइकिल चलाने के लिए बोला, ठीक है? पूछेंगे आप घर जाके। हैं? 9 साल का है। आपको गर्व नहीं हो रहा है? गर्व हो रहा है ना। है ना? हाँ। क्या गर्व? खुशी कैसी है आपके? खुशी बहुत अच्छी है कि बच्चा जो है ना, अभी से अगर कंपटीशन में भाग ले रहा है तो आने समय में और होगा, तो इसमें और फर्स्ट है, ऐसा है, गर्व लग रही है हमें। आप क्या करते हैं? मैं ज्वेलरी शॉप में काम करता हूँ। ज्वेलरी शॉप में? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रतिभागियों में उत्साह बढ़ाने हेतु मारवाड़ी युवा मंच खरियार रोड ने एक रेंजर साइकिल लक्की ड्रा का इनाम के रूप में रखा था, जिसे सतनाम सिंह राजपाल को प्राप्त हुआ। मारवाड़ी युवा मंच द्वारा जो साइक्लोथोन का आयोजन किया था, गया था नवज्योति से लेकर जलाराम मंदिर तक, वहाँ पर जितने प्रतिभागी थे साइकिल चला रहे थे उनके लिए एक इनाम का भी घोषणा किया गया था, इसलिए कूपन दिया गया था, कूपन बांटा गया और कूपन में लक्की ड्रॉ है, लक्की ड्रॉ मिला है सतनाम जी को। सतनाम जी जो हैं बहुत बड़े फेमस है, सतनाम टेंट हाउस जो है उनका। सतनाम जी पहले तो आपको मुबारकबाद है, आपने लक्की ड्रॉ जीता और एक साइकिल मिला आपको। धन्यवाद जी। मारवाड़ी युवा मंच को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हर साल इन्होंने ये ऑर्गेनाइज करते हैं इस साइक्लोथोन को, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। इस साइक्लोथोन से सभी जितने भी प्रतिभागी हैं सब जुड़े रहते हैं और हर साल इनका आयोजन बहुत ही सफल रहता है। इस बार उन्होंने लक्की ड्रॉ का कूपन रखा था, उस कूपन में क्या बोलते हैं हमारा इनाम मिला और उसमें ये हमको शिक्षा देते हैं कि हमेशा आप अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहिए। यानी साइकिल का करेंगे क्या? साइकिल का चलाते ही हैं सवेरे, तो इस साइकिल को भी सवेरे हम यूज करेंगे और अच्छा, चलाएंगे। साइकिल चलाने का आदत पहले से है? बिल्कुल पहले से है, बचपन से है। बचपन से? अच्छा अच्छा, फिर से आप चलाएंगे? आप बिल्कुल चलाते ही हैं और चलाएंगे, हमारे जितने भी सहयोगी हैं सब चलाते हैं साइकिल, सवेरे मॉर्निंग में जाते हैं और साइकिल चलाते हैं, तो बिल्कुल हम साइकिल चलाएंगे। सभी प्रतिभागियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। आपका नाम बताइए। मेरा नाम दिया अग्रवाल है। आज का अनुभव कैसा रहा आपका? बहुत ही अच्छा था, सुबह सुबह उठ के बहुत ही अच्छा लगा। और हम लोग को अपने शरीर की तरफ देखना चाहिए, आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में हम लोग अपना शरीर का ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन ये युवा शक्ति के चक्कर में आज हम लोग यहाँ आए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। साइकिल चलाया आपने? पूरा पूरा चला के? पूरा नहीं, कहाँ? थोड़ा दूर तक। थोड़ा दूर? ठीक है। अब रेगुलर चलाएंगे? रेगुलर चलाएंगे। मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष सुमित अग्रवाल के नेतृत्व में आयोजित साइक्लोथोन कार्यक्रम को संपूर्ण सफल बनाने में सचिव अमित अग्रवाल, कोषाध्यक्ष प्रतीक कोंडाई, कन्वेनर अतुल अग्रवाल, को कन्वेनर मनोज बंसल आदि ने प्रमुख भूमिका निभाए, जबकि मार्गदर्शक भूमिका किशोर अग्रवाल, पंकज मैरोडिया, ललित अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, सुमित जैन, कन्हैया मित्तल, राकेश गोलछा, कृष्णा अग्रवाल आदि ने सक्रिय सहयोग प्रदान किए। हमारे साथ मारवाड़ी युवा मंच के सक्रिय सदस्य जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया आज का राष्ट्रीय खेल दिवस का। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन, उसको पूरे भारत स्तर में मनाया जाता है, ऐसे आपको पता होगा। साइक्लोथोन नाम से ये तीसरा वर्ष है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। आइए हम उनके जो पदाधिकारी उनसे बात करते हैं, ये इसका आयोजन जो है किस तरह से हुआ आज। हमारे प्रेसिडेंट साहब आप आज आप बोलेंगे? ठीक है, आप जैसे मतलब मारवाड़ी युवा मंच तरह से आप बोलेंगे? ठीक, बोलिए, कोई भी बोलेगा। ठीक है, बोलिए। मैं मारवाड़ी युवा मंच खरिया रोड का रक्तदान संयोजक मनोज अग्रवाल, मैं हमारे पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि इन्होंने इस साइक्लोथोन का प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमें बहुत सारे युवा वर्ग और बुजुर्ग वर्गों ने भी भाग लिया। हमें बहुत खुशी हुई कि वे सब अपने हेल्थ के प्रति जागरूक हैं और उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। युवा शक्ति, राष्ट्र शक्ति, खरिया रोड मारवाड़ी युवा मंच सबका तहे दिल से धन्यवाद देता है, जो कि इस सफल आयोजन में भाग लिया और फिटनेस के प्रति अपना ध्यान दिया। हमने इसरो से लॉन्च की चंद्रयान 3 का भी एक मॉडल लगाया था, जिसने सभी ने बहुत पसंद किया है। भारत अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है और फिटनेस के प्रति ध्यान है हमारा सबको। युवा मंच सभी शाखाओं ने आज साइक्लोथन का आयोजन किया और सफल आयोजन रहा। करीब करीब 800 ब्रांच ने इस एक साथ साइकिल निकाली है और इस फिटनेस के लिए सबको जागरूक किया है। पुनः हम मेजर ध्यानचंद जी का स्मृति करते हैं और सबको अनुरोध करते हैं फिटनेस के प्रति जागरूक रहें। युवा शक्ति, राष्ट्र शक्ति। अमित अग्रवाल, मैं मारवाड़ी युवा मंच का सेक्रेटरी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी ने साइक्लोथोन को बहुत सक्सेसफुल बनाया। और माननीय राजेंद्र ढोलकिया जी मंत्री हमारे बीच पधारे, सोनिया गोल्डी अग्रवाल जी चेयरपर्सन हमारे बीच पधारे, हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथ ही मीडिया प्रभारी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से। हम आगे भी इसी तरह से कार्यक्रम करते जाएंगे। तो नवज्योति से लेकर जलाराम मंदिर तक जो
रैली हुई साइकिल की, उसका हमने पूरा कोशिश किया तहे दिल से कि हम इस पूरा कार्यक्रम को कवर करें। आशा है आपने जो कुछ देखा सुना आपको ज़रूर पसंद आया होगा। खासकर ये जो आयोजन हो रहा है इसका एक मकसद यही है कि भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम लोग हाईटेक गैजेट यूज करते हैं, तो हम कार चलाते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, तो साइकिल चलाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसी का एक संदेश, मारवाड़ी युवा मंच जो है वो सर्व भारत सर्व 800 जगह पर ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। आशा करते हैं कि ये कार्यक्रम खरिया रोड में जैसे सफल हुआ और भारत के हर कोने में ये सफल हुआ होगा। आप सुरेश आचार्य की जय दीजिए जलाराम मंदिर से। नमस्कार, जय हिंद।